हमारा एक ही कहना रहता है कि हमारा वार्ड अच्छा रहे। हर एक जन वार्ड अच्छे के लिए बात करते हैं, क्योंकि देखो मेरा वार्ड जो है मेरे धर्मपत्नी दीपाली पाटिल का, यानी कि वो नगर जीव, यानी कि मैं ही ऐसा समझ के चल रहा हूँ। मैं अंजूर बेटा फाटा से लेके हमारे राजीव गांधी नगर ताड़ाली तक शिशु रोड बना है। शिशु रोड में बहुत सी जगह पे मैं दिखाऊंगा कितने गड्ढे गिरे। जो भी हो, मैं व्हाइट कॉलर हूँ, मैं फेस टू फेस बोलता हूँ, फेस टू फेस करता हूँ। मेरे शरीर के आदमी लोगों को नहीं मांगते। नमस्कार, हमारा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज। सत्यवार्ता की टीम अपने दर्शकों के लिए एक नया शो लेके आई है जिसका नाम है आपकी सोच। सोच शहर की विकास को लेकर, सोच शहर में हो रहे समस्याओं को लेकर। आज इसी शो के दौरान हमारे जो गेस्ट हैं वह समाज सेवक दिनेश पाटिल सर। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। आपको सत्यवार्ता न्यूज वालों को हमारी तरफ से, मेरी धर्मपत्नी दीपाली पाटिल इनकी तरफ से, हमारे गुरु नीलेश चौधरी इनकी तरफ से, हमारे बीजेपी पार्टी की तरफ से आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सर मेरा पहला जो सवाल है आपसे, जो यहाँ के राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो बात करते हैं कि शहर में विकास हो रहा है, यहाँ पे हमने ये काम किया, वहाँ पे हमने वो काम किया, आपकी सोच के हिसाब से क्या सही मायने में शहर में विकास हो रहा है? सोच आने के बहुत सी सोच रहती है, लोग बहुत तरीके से बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, मगर खाली मायने जाके देखेंगे तो कुछ नहीं होता है। जाके जो ऑफिसर से हमारे नगर सेवक की टीम, हर एक नगर सेवक जो रहता है वो काम के पीछे ही रहता है, हमारा ये काम करो वो काम करो। उनका एक ही कहना है कि हमारा एक ही कहना रहता है कि हमारा वार्ड अच्छा रहे। हर एक जन वार्ड अच्छे के लिए बात करते हैं, क्योंकि देखो मेरा वार्ड जो है मेरे धर्मपत्नी दीपाली पाटिल का, यानी कि वो नगर जीव, यानी कि मैं ही ऐसा समझ के चल रहा हूँ। मैं वार्ड नंबर 22 मानसरोवर से लेके गणेश नगर, भाग्यनगर, हनुमान नगर तक, वराल देवी हॉल, वराला माता हॉल, उधर तक सब पीस पार्क वगैरह सब हमारा वार्ड है। ये वार्ड में हमारा एक ही चल रहा है कि सब जगह पे हम लोग, हमारी तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं। और काम के लिए हम लोग को किधर ना किधर दिक्कतें आती है। ये दिक्कतें ऐसी कि यहाँ के जो ऑफिसर्स अभी आए, आशिया साहब, उससे पहला थे आष्टीकर से पहला हीरे साहब थे, हीरे साहब से पहला रंग, एक 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 जो ऑफिसर आए, ये तीन साल हो गए मेरे ख्याल से, पाँच छः ऑफिसर बदले हो गए। देखो बुरा मत मानो, मेरी बहनें सुनते हुएगी, तो जो आदमी शादी करता है, मैंने अभी बताया शादी करता है, तो शादी करने के बाद जो औरत आती है घर पे, तो उसको मालूम नहीं रहता है कि कौन सा बर्तन किधर रखा जाता है, कौन सा बर्तन किधर है, चाय की किटली किधर है, चावल किधर है। वो दो चार दिन, पांच छह दिन देखने को सुनने को ही जाते हैं। हमारे घर में मेरे ससुर को क्या मांगता है, कौन सी चीज अच्छी लगती है, इसके पीछे लगते है। और ये जो कमिश्नर बार बार चेंज कर रहे, वो कमिश्नर आए, जो कमिश्नर आया वो चेक लेता है, चेकबुक लेता है, ऑफिसर से जमा करता है, हाँ ये करेंगे वो करेंगे। लोगों के काम नहीं होते, जो गटर के काम, रोड के काम, हर एक चीज के काम, एक काम नया ऑफिसर आया वो सीखने में 6-6 महीने जाते हैं। ये 2 साल से काम रखड़ा हुआ है हमारे भिवंडी कारपोरेशन में। जब ये हमारे बीजेपी की पार्टी की तरफ से फडणवीस जी ने पूरे भिवंडी में 52 रोड का काम सैंक्शन हुआ है, 52 रोड में से अभी 2-3 ही रोड पूरे हो रहे, और होते होते वो भी खड्डे होते जा रहे। 25 साल तक की गारंटी बताई जा रही है। मैं जाके बताऊंगा वो जो कोई ठेकेदार होएगा, अंजूर बेटा फाटा से लेके हमारे राजीव गांधी नगर ताड़ाली तक शिशु रोड बना है। शिशु रोड में बहुत सी जगह पे मैं दिखाऊंगा कितने खड्डे गिरे। ये काम यहाँ पे कैसा आयाराम गयाराम चल रहा है, ऑफिसर आते हैं सीखने में 2-4 महीने जाते हैं, 2-4 महीने में उनका जेब भरने के पीछे लगते बाद में, और सब निकल जाते हैं। यही काम चल रहा है। अभी बिल्डिंग गिरी पटेल कंपाउंड में, उधर भी ऐसा ही है। बात ऐसी है क्या, ऑफिसर लोगों के देखो, एक आधा ऑफिसर आया तो उसको सीखने में टाइम लगता है, इससे अच्छा कि 2-2, 3-3 साल एक ही ऑफिसर रखेंगे तो उसको नॉलेज आएगा। ये रोड जो है दामनकर नाका से ताड़ाली तक आईसी बिट का रोड का ये चल रहा है। लॉकडाउन के पीरियड में पद्मा नगर में तोड़ना चालू किया, आईसी बिट दिखाया, मगर आईसी बिट किधर है दिखाओ, कोई ऑफिसर को मिला पैसा वो चुप बैठते हैं। तो सर कहीं ना कहीं इसकी जवाबदारी वो एरिया के, वो वार्ड के नगर सेवक की तो बनती है कि वो आवाज उठाए। दादा हमारे लेटर है, हम लोग, मैं
जो भी हो, मैं वाइट कॉलर हूँ, मैं फेस टू फेस बोलता हूँ, फेस टू फेस करता हूँ। मेरे शरीर के आदमी लोगों को नहीं मांगते, लोगों को मांगते हैं खिलाने वाले, पिलाने वाले और पैसा देने वाले। सरकार ने एक सोचना मांगता है कि जो सही में जो वोटर है वोटर ने खुद जो करते वोटिंग डालने के टाइम वोटिंग नहीं डाली तो उसका आधार कार्ड पैन कार्ड और जो फैसिलिटीज है वो कैंसिल करनी मांगती है, तब ये अपना भारत देश सुधरेगा। ये भारत देश को सुधरने में बहुत तकलीफें आ रही है। इसका कारण ये है कि आप उन वोटर लोग को पैसा देते, जो वोटर है जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे को हाँ, और पार्टी वाले भी बहुत से लोगों को मेरे को क्या पड़ी है, पैसा मांगता है। मेरे वार्ड में भी ऐसा ही चल रहा है, आयाराम गयाराम ऐसा चल रहा है। मेरे शरीर के आदमी ने रोड गटर सब कुछ बन रहे, मैं किससे 1 रुपया लेता हूँ तो बता, बिंदास काम चल रहा है, बिंदास लोगों का कमाई चल रही है, सब कुछ चल रहा है। हाँ, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं। सर, आपने बात की थी कि रोड के जो RCC रोड बन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं विगत दिनों लापरवाही देखने को मिली बड़े पैमाने पे। रोड बन रहे हैं, गड्ढे हो जा रहे हैं, तो इसका जवाबदार आपकी सोच के हिसाब से कौन है? मगर महानगर पालिका है या फिर वो वार्ड के नगर सेवक है जो वहां पे ऊपर नीचे करके वो काम कर देते हैं? पहले हम लोग नगर सेवक, क्यों कि हम लोग देख के अनदेखा करते हैं, हम लोग देख के अनदेखा करते कर, इसीलिए हम लोग पहला, उसके बाद देख के हम लोग ऑफिसर लोग के ऊपर दाट गिरानी मांगती है। मैं ऑफिसर लोग को हम बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ मगर यहाँ पे सुनने वाले बहुत से ऑफिसर गेंडे के गाथड़ी के हुए, बड़ी बड़ी गाथड़ी हुई उनकी, कि उनको कैसा यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से छोड़ देंगे, ऐसा ही चल रहा है। ऑफिसर लोग को कुछ पड़ी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बोलने जाते हैं तो किधर ना किधर दबाया जाता है। हमारे तो हम लोग को कोई ना कोई हमारे बड़े लोग दबा रहे या कोई तो ऐसे दबाया जाता है, इसीलिए हम लोग को देख के अनदेखा करना पड़ता है। और हम लोग देखो, अभी दामनकर नाके पे हमारे वाघ मारे करके एक वकील है, इन्होंने बात छेड़ी थी, उन्होंने बात छेड़ी थी, उनको मैंने ये दिया, उसको मैं खुद बोला कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि सही में अच्छा काम कर रहा है। देखो यहाँ पे खाने वाले लोगों को खाली मांगता है टक्का, यहाँ पे हमारे नगर सेवक लोगों को भी मिलना देने को तैयार होते हैं लोग। हम लोग किसका लिए नहीं और मैं किसको डरता नहीं, मेरे तरीके लोग, मेरे अच्छे लोग मेरे तरीके को लोगों को पसंद नहीं। क्या सर, कुछ विस्तार में बताएंगे क्या टक्का वो क्या होता है? टक्का वो कहने की ये की है क्या, देखो काम किधर है क्या, भाई रोको मत, आपको मिलते है, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा चलता है सीधा, मतलब करप्शन करके वो अपना काम निकलवा के लेते हैं। कोई भी ये करता है वो दिखाता नहीं, और अपुन जब करते ये करते तब अपुन एक नहीं करते, चुपके से ये करना पड़ता है, ऐसा होता है। अभी अपुन किसके ऊपर नाम लेने जाएंगे तो क्या बोलते हैं, मेरे को देखा क्या क्या क्या, जब ये करते हैं तो टेबल के नीचे से लेते हैं, ऊपर से सामने से करते नहीं। और हर जगह पे मैंने देखो, आपने जो यहाँ के अभी प्रभाग अधिकारी खाड़े मैडम है, इनको भी मैंने बीच में किया, कमिश्नर को बोला, हमारे मारुति गायकवाड़ साहब है उनको बोला, ऐसे बहुत से लोगों को, अच्छा काम कर रहे हो करो, आईएएस ऑफिसर आया, ये करेंगे वो करेंगे, कोरोना अभी तो ये जो पहले भी ऑफिसर थे वो भी वही कर रहे थे, अभी के भी वही कर रहे हैं। अभी क्यों फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए मिल रहा है कोरोना का, एक पेशेंट का 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। पेशेंट को पॉजिटिव दिखाओ, पॉजिटिव दिखाने के बाद वो पेशेंट पॉजिटिव दिखाने के बाद वही पेशेंट को 5-6 दिन में क्वारंटाइन रखते हैं। क्वारंटाइन रखने के बाद खाना कितने का आता है, 50 रुपए 100 रुपए का, दाल चावल सब्जी 2 टाइम चाय, ऐसा 100-150-200 रुपए का दिन का, 500 रुपए पकड़ो, चले मैं ये नहीं मान रहा हूँ, 500 रुपए पकड़ो खर्चा एक आदमी का, 500 के हिसाब से कितना खर्चा होता है, 10 दिन का 5,000 रुपया जो गोली मांगने जाती है ना दवा का, बुखार का जो गोली मांगने जाते हैं, गोली तो गोली भी देते नहीं फिर डॉक्टर लोग। मैं झगड़ा करता हूँ डॉक्टर से, मैं किसको डरता नहीं, और मेरे को फिर से होना मांगता है ऐसा भी नहीं। मेरे शरीर के लोगों को पसंद नहीं, क्यों कि पहले के नगर सेवक लोगों से 25,000 लेते थे, 20,000 रुपए जेब में डालते थे और 5,000 रुपए कार्यकर्ता को देते थे, मैं देता नहीं। मेरे जेब में मेरे को भगवान ने दिया है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, इनके आशीर्वाद से मेरा एक सपना था, मेरी औरत बन गई। मेरी सोच बहुत है,
मैं करप्टेड नहीं हूं, मेरे बारे में कोई बोले कि दिनेश पाटी किससे 1 रुपया लिया, राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात, बीच में एक आदमी ने मेरे बारे में किया था, मल्लेश करके, मल्लेश नाम का एक आदमी है, उसने बोला था दिनेश पाटिल लोगों से पैसा मांगता है, तो दिनेश पाटिल मांगता है तो दिनेश पाटिल लोगों के पास जाए गया होगा, घर बनते टाइम पैसा दो, नहीं तो दिनेश पाटिल के नाम से कोई आदमी गया होगा, नहीं तो दिनेश पाटिल के ने फोन किया होगा, कुछ तो ही किया होगा। दिनेश पाटिल की खुद की गाड़ियां थी, डंपर, रेती सप्लायर था दिनेश पाटिल, मैं रेती सप्लायर था पहला, मेरे को मेरा एक भाई है, भांजा है, सुनील पाटिल, इन्होंने डंपर लेके दिया था उस टाइम से, यानी कि 2007 से मैं रेती के धंधे में उतरा था। उसमें मेरे को ये मेरे वार्ड में कोई बोले कि दिनेश पाटिल किसको धमकाया, मेरी रेती लो, मेरी कुछ करो, मैंने 3 साल से रोको रेती का ये चालू है, रेती माफिया का, उस टाइम से मैंने डंपर मेरे सड़ रहे, डंपर बंद रखे, डंपर सड़ रहे, मैं किसको ही नहीं, किसको बोलने जाऊंगा तो दिनेश पाटिल नगर सेवक हम लोग को घर के लिए तबलीग देता है ऐसा बोलेगा, इसीलिए कुछ नहीं। इसमें कोई बोले घर बनते वो काम है नगर सेवक का नहीं, वो शासन का काम है, शासन के लोगों का काम है किसको रोकना, किसको क्या करना और किसको क्या करना, मेरे तो लेटर गए। सर मेरा सवाल है कि अभी जो शहर का एजुकेशन की हालत है वो एकदम चरमरा गई है, आपके वार्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे नहीं नहीं बोल के 3 से 4 स्कूलें हैं। आपकी सोच के हिसाब से जो आपकी जनता है आपके वार्ड की, वो गरीब एक मतलब मजदूर वर्ग की जनता है, क्या वो स्कूल को अफोर्ड कर पाते हैं, क्या उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ पाते हैं? भाई बात ऐसी है, स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा बोले, यहाँ पे जो भी है, मैंने पहला ही, मेरे वार्ड में 5-6 स्कूल है, काकातिया है, विकास है, बाबा है, बाबा के बाद में ऐसे 5-6 स्कूल है, पीएम है, 41 नंबर स्कूल है, 52 नंबर है, 75 नंबर है, ऐसे बहुत से स्कूल, 10-12 स्कूल है मेरे ख्याल से मेरे वार्ड में। विकास स्कूल के बारे में मैंने किया था, रोड पे विकास स्कूल है, उसके बारे में तो मैं लेटर दिया था, बच्चों लोग को पढ़ने को तकलीफ होती है, यानी कि उनको जाने को, रोड से जाने को तकलीफ होती है, ये खड्डे से वो खड्डे में पैर डालू क्या क्या करूँ, जाने के स्कूल में जाने के टाइम उनके पूरे पैर गंदे हो जाते हैं, उनके माँ बाप छोड़ने जाते हैं, उनको जाने को तकलीफें होती है, दिक्कतें होती है, मगर क्या बात है, ऐसे 3 साल से, 4-5 साल से ड्रेनेज का काम चालू है, पूरे भिवंडी में रोड खोदे जा रहे हैं, खोदाई का काम बहुत स्लो में चल रहा है, वहाँ के ठेकेदार भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, थूक लगा के काम चल रहा है, यहाँ के ऑफिसर देख नहीं रहे, देखने बोलेंगे तो वो लोग अलग बोलते हैं, नगर सेवक बोलने लगा तो नगर सेवक उनका दुश्मन बन गया, ऐसा चल रहा है। अभी फिलहाल फेना गांव में हमारे रोड का 4 नंबर खड़ी डाले, यानी मेरे जो एरिया जिधर जहाँ पे स्कूल है, बाबा वगैरह है, जो स्कूल है काकतिया विकास वगैरह ये स्कूल है, उधर दो चार एक दो रोड फेना गांव के हमारे बाकी है, वो रोड दीपावली में उन्होंने वादा किए हैं, दीपावली के बाद ये बारिश के वजह से काम रुका पड़ा था, मानसरोवर का ऊपर वाला भी काम रुका पड़ा था, ये दीपावली के बाद होएंगे, और ये भिवंडी में लोगों का एक रोड के बारे में और शहर के बारे में, गंदगी के बारे में मैंने अभी सुना कि 6 नंबर आया, वो कौन से हिसाब से नंबर आता है मेरे को ही मालूम नहीं, गिर रहा है सफाई का नंबर कौन से हिसाब से आते हैं। हाँ मेरे एरिया के ऐसा लोग, मेरे कामगर एरिया के ऐसा लोग बहुत मेहनत ले रहे, मैं बोल रहा हूँ इनको सभी को मैं धन्यवाद दूंगा, ऑफिसर भी अच्छे हैं, अभी पहले के भी अच्छे थे, हमारे यमन गुलवी साहब भी अच्छे थे, उसके बाद में अभी हमारे आए संकेत साहब, वो भी मेहनत ले रहे, ध्यान दे रहे, उसके बाद में हमारा सागर धनगर हुआ, रोहन यादव हुआ, रोहित हुआ, यानी 21, 22, 23 नंबर के जो भी ऐसा है लोग, तन मन से तीनों ऐसा है लोग मिलके सब मीटिंग करते क्या करना मांगते, और सब लोग मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करके एरिया अच्छी साफ रख रही है। मैं 6 नंबर कैसा आया मेरे को ही मैं मालूम नहीं, बहुत सी जगह पे गंदगी है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो ऑफिसर लोग देखते क्या है उनको ही मालूम है। धन्यवाद, ये थे हमारे साथ समाज सेवक दिनेश पाटिल सर, अगले एपिसोड में हम फिर किसी जन प्रतिनिधि के साथ मिलेंगे, तब तक के दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सत्यवार्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।